हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बेबी कार्डिगन या स्वेटर या बच्चों की कैप में डालने के लिए सिंपल सा टू कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन मात्र 4 सलाई में बनकर ओवर हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से ये डिजाइन आप बना सकते हैं। साइड का एक एक फंदा छोड़ते हुए 2+2 के मल्टीपल में हमें फंदे लेने हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 2 कलर का यूज किया है। यहाँ पर देखिए, जब हम व्हाइट कलर का लगाएंगे धागा, तो एक सीधी सलाई और उल्टी सलाई व्हाइट कलर से बनेगी, यानी 2 सलाई व्हाइट से बनेगी। और जब हम रेड कलर लगाएंगे तो एक सीधी एक उल्टी सलाई रेड कलर से बनेगी, यानी 2 सलाई एक कलर से बनेंगी। तो आइए देख लेते हैं कि ये डिजाइन हमारा किस तरह से बनेगा। ये देखिए, रेड कलर से हमने 2 सलाई बना ली है। अब यहाँ पर हम व्हाइट कलर लगाएंगे। व्हाइट कलर से साइड का फंदा बुन लेंगे और सीधा इस तरह से, जिस तरह से हम सीधी सिलाई बुनते हैं उसी तरह से हम ये सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है। ये देखिए, इसी तरह से हम ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड में सेकेंड रो में आते हैं। साइड का फंदा उतारेंगे देखिए, इसी तरह से हम सेकेंड रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, व्हाइट कलर से एक राइट साइड की एक रॉन्ग साइड की सिलाई बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने व्हाइट कलर से 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट की हैं। अब हम रेड कलर को लगाएंगे। ये हमारी थर्ड रो है। साइड का फंदा रेड बुनेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर धागा घुमाकर एक बार सिलाई में इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से लपेट लेंगे। 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। ये 2 फंदे का हमने एक फंदा बना लिया। फिर से धागा सिलाई में इस तरह से ले लेंगे। 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से हम धागा इस तरह से लपेट लेंगे। 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा लपेट लिया, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए, धागा हमें इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से सिलाई में लपेट लेना है और 2 फंदे का एक फंदा बना लेना है। देखिए, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हुए हैं, तो 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, क्योंकि हमने 2 2 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और साइड का फंदा एक्स्ट्रा लिया हुआ है दोनों साइड में। अब ये धागा घुमाएंगे, एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे लास्ट का। अब देखिए, अब हम आते हैं रॉन्ग साइड की 4th रो में। साइड का फंदा उतारेंगे, धागा घुमा लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये जो फंदा हमने 2 का 1 किया था, उस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। धागा घुमाएंगे, जो फंदा हमने लपेटा था, ये फंदा हमने लपेट लिया था सिलाई में, वो फंदा हम धागा घुमाकर सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी साइड करेंगे,
जो दो फंदे का एक फंदा किया था वो फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे, लपेटे हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे, ये देखिए दो फंदे का एक फंदा बनाया था, ये देखिए दो फंदे हैं व्हाइट वाले, इन दो फंदों का एक फंदा बनाया था वो फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे, लपेटे हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। इसी तरह से ये हम रो को कंप्लीट करेंगे। लपेटे हुए वाले फंदे को सीधा बुन लेना है हमें। ये फोर रो को हम रिपीट करते रहेंगे, ये डिजाइन बनकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ रो में हम फिर से फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे, यानी यहां पर दो सलाई हमने व्हाइट से बनाई थी, अब हम दो सलाई व्हाइट से बनाएंगे इस तरह से। दो सलाई हम व्हाइट से बनाते हुए चलेंगे। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर हमने दो सलाई व्हाइट से बना ली हैं। अब यहाँ पर हम रेड कलर फिर से यूज करेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया है आपको उसी तरह से साइड का फंदा बुनेंगे, धागा घुमा लेंगे। इस धागे को हमें लपेटना नहीं भूलना है, क्योंकि हम यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा कर रहे हैं। अगर हम ये लपेटना भूल जाएंगे ये फंदा, तो यहाँ पर हमारे फंदे घटने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इस फंदे को इस तरह से लपेट लेना है, इसके बाद दो फंदे का एक फंदा बना लेना है इस तरह से। इन फोर रो को रिपीट करते जाएंगे, डिजाइन बनकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो, ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे कोई भी वीडियो मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।